सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में लोगों ने किया योगाभ्यास। साप्ताहिक योग शिविर का हुआ समापन। कहा, शारीरिक बीमारियों को दूर करने का महत्वपूर्ण माध्यम है योग। आजवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सदर सांसद रवि किशन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने का दिया संदेश। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने उद्यमियों के साथ आयुक्त सभागार में की बैठक। कहा, उद्यमियों के समस्याओं का अधिकारी प्रमुखता के आधार पर करें निस्तारण। अग्निवीर योजना पर देश भर में हो रहे प्रदर्शन पर सदर सांसद रवि किशन और विधायक विमलेश पासवान ने कहा, जो लोग आगजनी व कर रहे हैं प्रदर्शन, वह नहीं हो सकते हैं फौजी, नहीं है उनका उद्देश्य देश सेवा करना। कचहरी बस स्टैंड पर एक डग्गामार बस को रोडवेज के कर्मचारियों ने सवारी भरते पकड़ा। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने कहा, बस को आरटीओ के माध्यम से करवाया जाएगा सीज। डग्गामार बसों से रोडवेज बसों को होता है नुकसान। आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, बस का चालान कर की जा रही है अग्रिम विधिक कार्यवाही। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने योगाभ्यास कर निरोगी काया का लिया मंत्र। कहा, योग करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार, रख सकते हैं अपने तन मन तथा मस्तिष्क को स्वस्थ।